سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خدي مزاجي، قسم سب وخدي زيادة مزاجي. हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 5 अदद अंडे लिए हैं, मेल्टेड बटर लिया है हमने 1/2 कप, 2 कप हमने दूध लिया है, 1 कप हमने चीनी ली है, फ्रेश क्रीम लिए हमने 200 ml, इलायची पाउडर लिए हमने 1/2 टीस्पून, किशमिश लिए हमने 2 टेबल स्पून, कटे हुए बादाम लिए हमने 2 टेबल स्पून, कटे हुए पिस्ता लिए हैं 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस लिया है। तो ये चीजें चाहिए हमें ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए। तो एक मैंने पतीला ले लिया, नमक बिछा लिया और जाली स्टैंड रख लिया। अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख, एक बाउल लेंगे, उसमें हम अंडे तोड़ के डाल देंगे। पांच अंडे हमने तोड़ के डाल दिए, अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे मेल्टेड बटर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छे से हल हो जाए। तो ये देखिए चीनी अच्छे से हल हो गई। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, वनीला एसेंस, मिक्स करेंगे। हो गया मिक्स, अब इसमें जाएगी क्रीम, मिक्स करेंगे। हो गया, अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे दूध और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये रेडी है, इसे हम साइड पे करेंगे, बेकिंग मोल्ड ले लेंगे और ये ब्रेड के स्लाइस, इसको आप हाथ से तोड़ लो, यहाँ ये देखिए ऐसे तोड़ के इसके इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले। और हिला, इसी तरह करते जाएंगे। तो सारे ब्रेड के स्लाइस के हिस्से करके हम इसमें डाल दिए, अब ये हम इसमें डाल देंगे इस कप की मदद से। तो ये देखिए सारा हमने इसमें डाल दिया, इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसमें डालेंगे किशमिश और बादाम। बहुत ही मजे का ये मीठा रेडी होने वाला है। ब्रेड तो हर गर्मी होती है, आप बना सकते हो इसे, बहुत ही मजे का। तो ये रेडी है बेक होने के लिए, इसे हम बेक करेंगे पतीले में। पतीले को हमने प्रीहीट कर लिया था 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, पतीला अच्छे से प्रीहीट हो चुका है और इसे हम बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप चेक करके देखें क्या ये बिल्कुल ड्राई है नीचे से। अगर ये ड्राई है तो समझिए ये बेक हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो आप इसे थोड़ा सा और टाइम दे दें। तो अब इसे हम बेक कर लेंगे, पतीला हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है और इसको हम बेक कर लेंगे और कवर कर देंगे। तो अब देखेंगे क्या हमारी ब्रेड पुडिंग बेक हो चुकी है। तो ये देखिए ये बेक हो चुकी है, तो ये देखिए ये बेक हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो इसको हम साइड पे कर लेंगे और कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 ग्लास हमने दूध लिया है, कस्टर्ड पाउडर लिए हमने 2 टेबल स्पून, हमने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और चीनी लेंगे हम 4 टेबल स्पून। ये चीज़ें चाहिए, तो एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें दूध डाल देंगे। और थोड़ा सा दूध बचा लेंगे कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए, दूध में बॉयल आने देंगे और यहाँ पे हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स करेंगे। तो देखिए ये मिक्स हो गए, इसे हम साइड पे कर देंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, अब इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी को दूध में हल करेंगे। देखिए चीनी दूध में हल हो चुकी है, अब इसमें हम ये कस्टर्ड डालेंगे।
डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, तो ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद पाइपिंग बैग में डाल देंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। कोई भी नोजल लगा लें आप, बारीक वाली। अब हम ब्रेड पुडिंग को सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो बहुत ही मजे की ब्रेड पुडिंग हमारी रेडी है। तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्रेड पुडिंग की रेसिपी कैसी लगी। नायाब हांडी।